हेलो एवरीवन, कैसे हो? सब बढ़िया हो आई होप। आज का जो वीडियो है ना, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो बनने वाला है। ऐसा वीडियो जो तुम देख के बोलोगे, भाई ये चीज़ मेरे को चाहिए, दिस इज़ द थिंग विच आई वॉन्टेड, दिस इज़ द थिंग फॉर विच आई हैव सेलेक्टेड द रिस्क मैनेजमेंट एंड दैट रिकॉर्डिंग इज टूडेज रिकॉर्डिंग। ठीक है, ये आज की जो रिकॉर्डिंग है ना, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही आलीशान बनने वाली है। बोलूँगा, सबको रिक्वेस्ट करूँगा, भाई आखिरी तक देखो, ध्यान से देखो, बिकॉज इन दिस रिकॉर्डिंग आई एम गोइंग टू टेल यू कि हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व द पेपर। भाई 100 मार्क्स का पेपर मेरे सामने आ गया, मैं उसको कैसे सॉल्व करूं? ठीक है, तो ये रिकॉर्डिंग की मदद से आई एम गोइंग टू टेल यू कि हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व 100 मार्क्स पेपर। ठीक है, नाउ वॉट आई एम गोइंग टू डू इज कि आई एम गोइंग टू सॉल्व मॉक टेस्ट पेपर 1 विच वॉज गिवन फॉर द अटेम्प्ट ऑफ मे 20, है ना, जो मे 20 के लिए मॉक टेस्ट पेपर आया था, दैट आई एम गोइंग टू सॉल्व। नॉट इन टर्म्स ऑफ कि एक एक लाइन टू लाइन मैं नहीं समझाऊंगा, मैं पेपर नहीं सॉल्व करूँ, वैसे सॉल्व नहीं करूंगा, मैं तुमको बताऊंगा कि भाई एग्जाम में अगर टफ पेपर आया तो कैसे सॉल्व करना, इजी पेपर आया तो कैसे सॉल्व करना, और भाई 80+ का जो टारगेट है वो कैसे अचीव करना। ठीक है, आई एम गोइंग टू टेल यू कि हाउ यू आर सपोज टू अचीव द 80+ टारगेट। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे सामने मेरी स्क्रीन पे तुम्हें मे 20 का जो हमारा मॉक टेस्ट पेपर था, है ना, मे 20 का जो मॉक टेस्ट पेपर था वो तुमको सामने दिख रहा होगा। ठीक है, अब वो चीज़, है ना, वो चीज़ जानने से पहले, है ना, मैं तुम्हें एक टेबल दिखाता हूँ जो गुरु मंत्र की तरह काम करेगा, है ना। आई विल शो यू वन टेबल विच विल एक्ट एज अ गुरु मंत्र, जो मैंने बनाया, बहुत मेहनत से बनाया, मतलब एकदम ये जो लॉजिक है ना उस बेसिस पे बनाया। ध्यान से समझते हैं सर ये क्या है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज मैं तुम्हें बता देता हूं कि रिस्क मैनेजमेंट का पेपर 4 आवर्स का होता है, एवरीवन नोस दैट, है ना। सो इफ आई काउंट द 4 आवर्स, इट्स अप्रोक्सीमेटली 240 मिनट्स, इट अप्रोक्सीमेटली कम्स टू 240 मिनट्स, है ना। तो 60 × 4 = 240 मिनट्स। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द नंबर ऑफ एमसीक्यूज, इफ आई टॉक अबाउट द नंबर ऑफ एमसीक्यूज, है ना, तो मुझे कितने मार्क्स के एमसीक्यू आते हैं, मुझे 40 मार्क्स के एमसीक्यू सॉल्व करना है, एंड फॉर द 60 मार्क्स आई नीड टू सॉल्व अ केस स्टडीज। ठीक है, अब जब जैसे ही तुम पेपर के लिए अप्रोच कर रहे हो, जैसे ही तुम्हार को पता है कि यू आर सपोज टू गेट वॉट, यू आर सपोज टू गेट अ 5 केस स्टडीज, आउट ऑफ विच यू आर सपोज टू सिलेक्ट 4 केस स्टडीज, एंड दिस 4 केस स्टडीज में हर एक केस स्टडी कंप्राइजेस ऑफ 25 मार्क्स। ये सभी को क्लियर है? अब सर मैं कौन सा विच फोर केस स्टडीज आई एम सपोज टू सिलेक्ट, ये आप बताओ। सेकेंड थिंग, हाउ टू अप्रोच एन एमसीक्यू, वो चीज बताऊंगा तुम्हें, है ना। तो सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज होता है व्हेन यू आर सिलेक्टिंग द केस स्टडी, एंड दैट इज योर सिलेक्शन ऑफ अ केस स्टडी शुड बी, और द सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन शुड बी प्योरली 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 बेस्ड ऑन द केस स्टडीज। द रीजन इज क्वाइट सिंपल। द फर्स्ट रीजन इज कि अगर तुमने मेरे लेक्चर्स अच्छे से देखे हैं, सेकंड तुमने मेरे पूरे टेस्ट सॉल्व की है, जो टेस्ट 1 2 3 4 5 यूट्यूब पर डली हुई है वो, प्लस तुम्हारे पास इस बार तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, हर एक पर्सन के पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। और ये सर गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्या है, वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी ये थी, है ना, सीए फाइनल रिस्क मैनेजमेंट की जो बुक मैंने लिखा था, दिस वाज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन। भाई ये बुक में हमने ऐसे ऐसे एमसीक्यूज बनाए हैं जो सॉल्व करके, इफ आई आस्क एनी ऑफ द स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट बोलते हैं सर दिस इज व्हाट आई वांटेड एंड दिस इज द लेवल ऑफ क्वेश्चंस व्हिच वी आर एक्सपेक्टिंग, एंड दिस सर ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ऐसा लगता है कि मेरा रिस्क मैनेजमेंट कंप्लीट हो गया, या तो सर मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो गया है, सर मजा आ गया क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद, है ना, पीपल सेज दैट कि मुझे मजा आ गया। ठीक है, सो अब सबसे पहला, हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व द केस स्टडीज प्योरली बेस्ड ऑन the level of understanding you have and the knowledge you have and the resources you have, इन तीन चीजों के बेसिस पे तुम्हारा केस स्टडी का सॉल्यूशन डिपेंड होगा। ठीक है, अब नाउ आउट ऑफ 5 केस स्टडीज विच केस स्टडीज आई शुड सिलेक्ट, आई विल टेल यू, है ना। ये सिलेक्शन जो बेस होगा, ये तुम्हारा जो केसेस दिए गए हैं ना, केसेस दिए गए हैं उसके बेसिस पे सिलेक्शन होता है जनरली। बट उसके लिए मैंने एक मास्टर टेबल बनाया है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे एक मैंने क्या बनाया, मास्टर टेबल बनाया। ये तुम्हें डिसाइड करने में मदद करेगा एग्जाम हॉल में कि भाई विच क्वेश्चन आई एम गोना सॉल्व, विच थिंग, और मैं कैसे अप्रोच करूँ पेपर को, है ना। तो ये जैसे जैसे हम मॉक टेस्ट पेपर में जैसे जैसे सॉल्व करते जाऊँगा, जैसे जैसे बताते जाऊँगा अप्रोच कैसे करना है, 15 मिनट्स रीडिंग टाइम में क्या करना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट मैं तुम्हें बताऊँगा अभी। ठीक है, तो अभी अपन सीधा पेपर पे आते हैं, है ना, फालतू टाइम पास नहीं करते। सबसे पहला मॉक टेस्ट पेपर 1 मई 20 को
क्वेश्चन नंबर वन, केस स्टडी वन। देखो सर, मेरा रीडिंग टाइम चल रहा है, मैं अभी तुमको एकदम, मैं एकदम सीरियसली बैठा हूँ रीडिंग टाइम में, एग्जाम हॉल में बैठा हूँ, रीडिंग टाइम चालू है, मैं कैसे अप्रोच करूंगा, है ना। मेरे सामने पेपर आया, मैंने ओपन किया, देख रहा हूँ सबसे पहले मैं केस स्टडी वन। ठीक है भाई, केस स्टडी दिख तो रही है बड़ी, है ना, केस स्टडी मुझे दिख रही है एक पेज की। ओके सर, एक पेज की केस स्टडी है, और इसके बाद मुझे दिख रहा है, क्या दिख रहा है मुझे, है ना, मुझे दिख रहा है 15 मार्क्स बोल रहा है, 1.5 मार्क्स ईच, मतलब कि 10 पॉइंट का कुछ तो भी मुझे करना है। मैं एज अ स्टूडेंट सोच रहा हूँ, पेपर सॉल्व कर रहा हूँ मैं कैसे सोचूंगा। अब मुझे क्या बोलता है, सपोज यू आर एक्सपेक्ट, है ना, सपोज यू आर अपॉइंटेड एज अ रिस्क मैनेजमेंट कंसल्टेंट, ठीक है, यू आर एक्सपेक्टेड टू गिव योर वैल्यूएबल इनपुट्स, है ना, वैल्यूएबल इनपुट्स ऑन द अबव इशूज रेस्ट। सर मुझे इनपुट्स देना है, मुझे चीजें बतानी है कि भाई क्या क्या हो रहा है, मुझे इनपुट्स देना है। ठीक है भाई, ये 1.5 मार्क्स का, देखता हूँ चलिए मेरे को क्वेश्चन जमेगा नहीं जमेगा। ठीक है, जैसे बोलता है हाउ टू रिड्यूस एक्सपोजर इन फाइनेंशियल रिस्क, ओ माई गॉड, ये कहाँ मिलेगा मुझे, ये तो मैंने कहीं पढ़ा ही नहीं है। पढ़ा है? अरे भाई टेंशन क्यों ले रहे हो, पेज नंबर 282 में जाओ, अपनी रिस्क मैनेजमेंट की बुक जो अपन ने बनाई है, मेरी जो बुक है रिस्क मैनेजमेंट की बुक, उसमें जाओ 282 पेज नंबर में, मजा आ जाएगा तुमको भाई। वो पेज जो है ना, वो पेज गुरु मंत्र है, वहां पे तुम्हें कोई भी टाइप का रिस्क आया उसे कैसे मिटिगेट करना है, उसे कैसे रिड्यूस करना है, उस चीज के बारे में दिया गया है ना। कंप्लायंस रिस्क कैसे कम करना है उसके बारे में दिया है सर, कोई फाइनेंशियल रिस्क है उसको कैसे कम करना है उस चीज के बारे में दिया है। वो पेज जो है ना जबरदस्त पेज है, यहाँ पे तो मेरे दो नंबर फिक्स हो गए। चलो मतलब ये जो है ना थोड़ा सा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन में मुझे हर एक पॉइंट पे करेक्ट आंसर देना पड़ेगा, मतलब कि ईच पॉइंट कंटेन्स 1.5 मार्क्स। अगर मैं एज अ स्टूडेंट सोच रहा हूँ तो कैसे सोचूंगा, ईच पॉइंट कंटेन 1.5 मार्क्स। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 100% मैचिंग, है ना, मैचिंग ऑफ आंसर विद एन इंस्टीट्यूट, वो थोड़ी सी कम हो जाती है इन टाइप के क्वेश्चंस में, है ना। अगर इंस्टीट्यूट कुछ बोल रहा है, अगर तुम्हारा और उनका आंसर 100% मैच होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को, है ना, थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए मेरे हिसाब से, थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। बिकॉज इसका जो होता है ना, अब देखो 15 मार्क्स का है, अगर मान लो कि तुम्हारे में, अगर तुमने हर इसमें भी सही सही लिखा, तो यू विल गेट हाउ मच मार्क्स, यू विल गेट 1 मार्क्स ईच। प्रोवाइडेड तुम्हारा पढ़ाई अच्छे से हुआ है, प्रोवाइडेड तुम्हारा पढ़ाई अच्छे से हुआ है, आई विल कंसिडर, मैं सोचूंगा कि चलो ठीक है भाई, मुझे केस स्टडी में कम से कम 10 नंबर मिल जाएंगे। मुझे कितने मार्क्स मिल जाएंगे, 10 मार्क्स मिल जाएंगे, 1 पॉइंट फॉर ईच, अगर मेरा प्रिपरेशन बहुत अच्छे लेवल पे हुआ है। ठीक है, तो मैं प्लॉट करूंगा कि मेरे को फर्स्ट केस स्टडी में 10 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अभी ये एग्जाम हॉल में कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ मैं उसका रीजन बताऊंगा, कैसे करना है वो बता रहा हूँ, बट इसका एंड आउटपुट जो होगा ना बहुत जबरदस्त रहेगा, है ना, जिससे तुम्हें 80 प्लस आएंगे। ठीक है, अब मैंने डिसाइड कर लिया कि भाई मेरे को 10 मार्क मिलेंगे अगर मेरे को पूरे आंसर्स आते होंगे तो। ठीक है, अब सेकेंड थिंग यू नीड टू डिसाइड कि मेरे को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना टाइम लगेगा। द रीजन आई एम सेइंग दिस इज बिकॉज यू पीपल थिंक दैट कि 4 hours इज इनफ, 4 hours इज नॉट इनफ फॉर सॉल्विंग अ रिस्क मैनेजमेंट पेपर, 4 hours इज नॉट इनफ टू सॉल्व रिस्क मैनेजमेंट पेपर। ओपन बुक है, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम 4 hours में पेपर कंप्लीट कर लोगे, ट्रस्ट मी, पेपर छूट जाता है लोगों का, मेरा खुद का पेपर छूट गया था, है ना, तो है ना, 4 hours इज नॉट इनफ कंप्लीट द पेपर, है ना, तो यू नीड टू प्लॉट द टाइम, यू नीड टू इंक्रीज द स्पीड फ्रॉम द फर्स्ट आंसर, है ना, पहले आंसर से ही तुम्हें तुम्हारी स्पीड एकदम जबरदस्त रखनी है। ठीक है, अब सबसे पहले मैं डिसाइड करता हूँ भाई 10 पॉइंट है, हर एक पॉइंट को मुझे लिखने में कम से कम मुझे लगेगा, आई विल से, है ना, तो 10 पॉइंट है, हर एक पॉइंट को लिखने में मुझे लगेगा से 3 मिनट्स और 4 मिनट्स ले लेता हूँ, मुझे लग जाएगा 40 मिनट्स यहाँ पे टाइम लग जाएगा। ठीक है, अब MCQs, अब मैं आता हूँ MCQs, हर एक क्वेश्चन के बाद MCQs दिए रहेंगे, हर एक क्वेश्चन के बाद तुम्हें दिए रहेंगे MCQs, है ना, तो हर एक क्वेश्चन के बाद मुझे 5 MCQs दिए रहेंगे, है ना, 2 मार्क ईच। ठीक है, अब MCQs के लिए कितना टाइम डिवोट करना और केस स्टडीज के लिए कितना टाइम डिवोट करना, पहले मैं तुम्हें वो बता देता हूँ। टोटल टाइम अवेलेबल 240 मिनट्स, जिसमें से आई वुड से कि हर एक MCQ पर MCQ यू आर सपोज टू डिवोट हाउ मच टाइम, पर MCQ आर सपोज टू डिवोट 2.5 मिनट्स, पर MCQ यू आर सपोज टू डिवोट 2.5 मिनट्स, विच कम्स टू टोटल ऑफ 50 मिनट्स। ठीक है, टोटल यू आर सपोज टू डिवोट हाउ मच टाइम, 50 मिनट्स। Remaining time you are supposed to devote for what case studies? So 45 minute per case studies तुम्हें devote करना है। ठीक है, अगर ये तुम करोगे तो ही तुम्हारे पास paper complete होगा, trust me, यही करोगे तो ही तुम्हारा paper complete होगा, नहीं तो paper छोड़ के आ जाओगे और तुम्हें सबसे बड़ा regret रह जाएगा, because this is only the paper where you can score 80 plus marks, trust me, है ना। और बाकी पेपर में बहुत मुश्किल है, ये पेपर जो है ना सोने पे सुहागा है, अगर जो हर एक चीज जो बोल रहा हूँ ना करके गए ना तो मजा आएगा, है ना। अब सबसे पहले मैंने क्या किया, मेरे को 40 मिनट्स लगेंगे एंड 40 मिनट्स में मुझे 10 मार्क मिलेंगे, है ना। ठीक है, अब MCQs मेरे को कितने बन रहे हैं देखते हैं।
फर्स्ट सिलेक्शन मैंने देखा, मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ, देखो मेरे को सिलेक्शन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, यानी मेरे को 5 केस स्टडीज में से 4 केस स्टडी सिलेक्ट करनी है, और ऐसी केस स्टडी सिलेक्ट करनी है जिसके बेसिस पे मेरे को 80 प्लस है, ठीक है। मैंने पहली केस स्टडी देखा, मैंने सिलेक्शन किया, किस बेसिस पे किया, मैंने देखा कि मेरे को कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, अगर मेरे पूरे आंसर सही होते हैं तो मुझे मैक्सिमम मार्क्स कितना मिलेगा, 10 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ MCQs पे। अब MCQs को कैसे डील करना, देखो जब रीडिंग टाइम में, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं रीडिंग टाइम में बैठा हुआ हूँ, मैं रीडिंग टाइम में बैठा हुआ हूँ, आई एम टेलिंग यू हाउ यू आर सपोज टू रीड ना, गो फॉर इन रीडिंग टाइम्स। देखो सर ये जो क्वेश्चंस है, देखो सबसे पहला क्वेश्चन जो बोल रहा है बीटा जेंसल इंडेक्स, सर ये मुझे पढ़ा हुआ है, अब मैं स्टूडेंट सोच रहा हूँ है ना, ये मैंने पढ़ा हुआ है भाई कहीं तो पढ़ा हुआ है, चैप्टर 5 में पढ़ा हुआ है, 6 में पढ़ा हुआ है, कहीं तो पढ़ा हुआ है भाई, मेरे को मिल जाएगा, ठीक है भाई, मेरे को कॉन्फिडेंस है, मेरे को मिल जाएगा, मेरे पास इंडेक्स जोरदार है, मेरे को वहां से मिल जाएगा, ठीक है भाई। सेकेंड बोलता है अरे हाँ ये तो पढ़ा हुआ है, ये तो वॉर का चैप्टर का लग रहा है मुझे, है ना, 1 week 2 week है ना, ये भी पढ़ा हुआ है, सेकंड वाला 1.3 वाला भी पढ़ा हुआ है मेरा, है ना, ये मेरे को कहीं से मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा, ठीक है भाई। फिर क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिल, हाँ भाई बेसिल का मुझे मिल जाएगा, है ना, बेसिल का कहीं ना कहीं से मिल जाएगा, ये भी मैं ढूंढ लूंगा, क्रेडिट रिस्क है ना चैप्टर नंबर 6 पे होगा, है ना, चैप्टर नंबर 6 में ढूंढ लूंगा, ठीक है। ये ट्रांजेक्शनल एक्सपोजर, ये सब इकोनॉमिक एक्सपोजर, ये मैंने ना SFM में कहीं देखा था, ये मैंने SFM में कहीं देखा था, चलो वहाँ से मिल जाएगा। ये जो बोल रहा है बैंक्स, ओ भाई बैंक्स मतलब क्रेडिट रिस्क में कहीं ना कहीं मिल जाएगा, मतलब सर MCQs तो मेरे को जम रहे हैं, मतलब मेरे को भाई MCQs तो मेरे को जम रहे हैं, MCQs में मुझे 10 नंबर आ जाएंगे टोटल मेरे 20 मार्क्स इस केस स्टडी, अगर मैं केस स्टडी 1 सॉल्व करता हूँ तो मुझे 20 मार्क्स मिलता है, और जो केस स्टडीज में मुझे हाईएस्ट मार्क्स रहेंगे वो केस स्टडी मैं पकड़ लूंगा, और जिसमें कम रहेंगे वो छोड़ दूंगा। अब ये एज अ स्टूडेंट सॉल्व कर रहा हूँ, है ना, तुम्हारा अलग रेंज हो सकता है, तुम्हारा मार्क्स अलग हो सकता है, तुम्हारे को अगर MCQ नहीं किया है तो नहीं आ सकता, बट एज अ स्टूडेंट आई एम थिंकिंग हाउ आई एम सपोज टू सॉल्व इट, ठीक है। केस स्टडी नंबर टू देखते हैं भाई, थोड़ा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दिख रहा है मुझे, आई कैन सी द प्रैक्टिकल स्टफ इन दिस, प्रपोजल 1 प्रपोजल 2 मुझे लग रहा है प्रपोजल इवेल्युएट करने बोल सकता है, एज अ स्टूडेंट सोच रहा हूँ पेपर है, पेपर को मैं रीड नहीं कर रहा हूँ, किस बेसिस पे सिलेक्शन कर रहा हूँ देख के, है ना, सबसे पहला मैंने देखा। अब व्हेन यू आर सॉल्विंग अ क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यू आर सपोज टू कीप इन योर माइंड, एंड दैट इज फर्स्ट यू नीड टू रीड अ क्वेश्चन ऑफ द केस स्टडीज। व्हाट आई डिड इज आई रीड द क्वेश्चन, है ना, मैंने सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन पढ़ा मैंने, है ना, मैं ऐसा नहीं है कि मैंने उसके बेसिस पे डिसाइड कर लिया, ऊपर के बेसिस पे नहीं, मैंने एक क्वेश्चन पढ़ा, फिर 2 पॉइंट्स पढ़ लिए कि हाँ भाई इसके बेसिस पे मेरे को लग रहा है कि मैं ढूंढ लूंगा, मेरा प्रिपरेशन लेवल हाई है ना, और इसलिए मैं आंसर्स को ढूंढ लूंगा, है ना। अब मैं जाता हूँ सर केस क्वेश्चन नंबर 2 में, है ना, क्वेश्चन नंबर 2 में मैं देख पा रहा हूँ, क्या देख पा रहा हूँ मैं कि प्रपोजल्स दिए गए हैं, आई हैव गिवन, है ना, मुझे 2 प्रपोजल दिए गए हैं। अब सर इसके बेसिस पे मैं क्वेश्चंस पे आता हूँ, है ना, तो क्वेश्चंस पे मुझे क्या बोलता है देखते हैं। सबसे पहला मुझे बोला गया है कि मुझे बोला है मेन रिस्क दैट इज फेस बाय द बैंक, आय हाय हाय सर मेन रिस्क मतलब यहाँ पे बात करेगा ये टाइप ऑफ रिस्क की, सर ये टाइप ऑफ रिस्क की बात कर रहा है, मतलब ही थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी वाला गेम आ गया फिर से, मतलब कि प्रोबेबिलिटी वाला गेम मतलब कैसे कि द चांसेस ऑफ गेटिंग योर आंसर मैचिंग विद द इंस्टीट्यूट आंसर इज अ बिट लेस, अगर तुम्हारा प्रिपरेशन लेवल हाई है तो भी मैच हो जाएगा, बट मैच होने के बाद अंदर का कंटेंट भी तो मैच होना चाहिए भैया, समझ रहे हो, मैच होने के बाद अंडर का कंटेंट भी तो मैच होना चाहिए, तो इसलिए मैं बोलूंगा चलो, है ना, तुमको 6 मार्क्स का है, मतलब 6 रिस्क ढूंढने, 6 रिस्क के बारे में लिखना है और एक्सप्लेन भी करना है, प्लस उसके साथ साथ एक चीज मैंने ऊपर देखी सर, मेरी जो केस स्टडी है ना 1, 2 और अप्रॉक्सीमेटली 2.5 पेजेस की केस स्टडीज है, मतलब 2.5 पेजेस की केस स्टडी पढ़ने के लिए ही मुझे 20 मिनट लग जाएंगे। सर क्यों भाई, डेटा समझोगे, इवेल्युएट करोगे, क्योंकि आगे मैं देख रहा हूं यहां पे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 थोड़ा सा प्रैक्टिकल पोर्शन दिया गया है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल पोर्शन दिया गया, मतलब मेरे को डेटा इवेल्युएट करना पड़ेगा, अच्छे से देखना पड़ेगा, और दिस विल टेक अ टाइम, है ना, तो 20 मिनट तो मुझे क्वेश्चन पढ़ने में लगेगा, प्लस उसके बाद ध्यान से सुनो, मुझे टाइप ऑफ रिस्क आइडेंटिफाई करना है, 6 रिस्क, हर एक रिस्क पे मैं लिखूंगा कम से कम 2 मिनट, है ना, 12 मिनट यही हो गए, तो 32 मिनट्स तो मेरे यहीं चले गए, ठीक है, 32 मिनट्स यहाँ चले गए, भले अब टाइप ऑफ रिस्क जो मैं लिखते जाऊंगा, है ना, तो मैं इधर प्लॉट करते जाता हूँ, टाइम मैंने डाला 20 मिनट्स, सॉरी, है ना, मैंने डाला 20 मिनट्स प्लस टाइप ऑफ रिस्क के लिए मैंने बोला था 12 मिनट, है ना, कितने हो गया 32। अब मेरे को टाइप क्वेश्चन नंबर 1 में, है ना, मुझे आ रहे थे कितने मार्क्स, मैंने बोला चलो 6 में से नहीं तो नहीं मुझे 4 मार्क्स मिल जाएंगे इंस्टीट्यूट के, अगर हिसाब से मैंने भी लिख दिया तो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोलता है, द अमाउंट ऑफ लोन, है ना, अमाउंट ऑफ लोन दैट सीम्स टू बी जस्टिफाइड, है ना, अब ये तो थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है कैसे करना क्या करना, ठीक है चलो तो भी मैं ढूंढ लूंगा। नेक्स्ट 2 जो क्वेश्चन दिख रहे हैं मुझे कुछ, तो भी देखो क्या बोलता है, मुझे बोलता है कि एक्सपेक्टेड लॉस ऑन द अमाउंट, है ना, एक्सपेक्टेड लॉस निकालने बोल रहा है क्या, हाँ ऐसा कुछ तो भी बोल रहा है, प्रैक्टिकल पोर्शन बोला है, और इसके बाद कैलकुलेट द MPBF, ये भी प्रैक्टिकल पोर्शन दिया हुआ है,
Now, the advice for the students, those who are scared of giving a practical answers, advice for the students, those who are scared of giving a practical, scared of solving the practical questions, जैसे ही तुम्हें दिख रहा है कि कुछ प्रैक्टिकल आ रहा है, स्किप कर दो, नेक्स्ट क्वेश्चन के स्टडी पे चले जाओ, तुम्हारा सिलेक्शन वहीं पे खत्म हो गया। बट ये जो सिलेक्शन की बात हो रही है, ये सिलेक्शन की बात हो रही है फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर टारगेटिंग फॉर 80 प्लस मार्क्स, है ना। 80 प्लस लाना है तो इस टाइप का थोड़ा सा स्ट्रेटेजी बनाना पड़ता है, जिसके लिए तुम्हें थोड़ा सा टाइम डिवोट करना पड़ता है, ठीक है। तो अब जैसे कि ये प्रैक्टिकल है, बट मुझे पता है भाई एकदम ईजी है, है ना। मैंने क्वेश्चन भी करवाए थे क्लास में एक, है ना। तो MPBF का भाई बहुत ईजी है, और ये मेरे को एक्सपेक्टेड लॉस निकालने बोल रहे, पांचट है भाई, पांचट है, बट थोड़ा सा डेटा ढूंढ लिया है मैंने, 20 मिनट इन्वेस्ट किया था, तो इसको मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा 10 मिनट, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगेगा। और ये क्वेश्चन नंबर 2 के लिए भी मुझे टाइम लेना पड़ेगा, तो आई विल से मैं और एडिशनल 8 मिनट्स ले लेता हूँ, तो से फॉर एग्जांपल मुझे 50 मिनट्स लगेगा इसके स्टडी के लिए। और ये तीनों का मिला के से मेरा अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन सही हो गया, मेरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन सही हो गया, तो आई विल से कि हाउ मच माई आई विल गेट, आई विल गेट से प्रोबेबली 7 मार्क्स, थोड़ा सा कट डाउन कर लेते हैं, 7 मार्क्स मुझे मिल जाएंगे। अब MCQs पे आता हूँ, देखो MCQs मुझे जम रहे हैं क्या। सबसे पहला क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग, अरे भाई मार्केट रिस्क के बारे में बात कर रहा है, है ना, मार्केट रिस्क के बारे में बात कर रहा है, ठीक है भाई देख लूंगा मैं, मुझे मिल जाएगा, कहीं ना कहीं तो मैंने पढ़ा है। दूसरा बोलता है कैपेसिटी एंड एपेटाइट, है ना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिस्क कैपेसिटी एंड रिस्क एपेटाइट, ये तो बहुत ध्यान से पढ़ाया था सर ने भाई, ये तो सर का मतलब, ये तो मैं पढ़ते ही आ जाएगा, ठीक है भाई ये दोनों जम जाएंगे मुझे। आगे बोलता है आगे 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 भाई, ये VUCA है क्या, वॉलिटिलिटी कॉम्प्लेक्सिटी एम्बिग्यूटी अनसर्टेनिटी, हाँ VUCA है ना, ये तो पढ़ा हुआ है भाई, है ना, चैप्टर 1 में पढ़ा हुआ है, कहीं ना कहीं तो पढ़ा हुआ है सर, है ना, ध्यान में आ रहा है। फिर उसके बाद है क्या बोलता है, कंज्यूमर इम्पैक्ट के बारे में बोल रहा है ना, कस्टमर इम्पैक्ट, ये थोड़ा सा मेरे को डाउट लग रहा है, बट ठीक है ये मेरे को पढ़ा हुआ है ना, है ना, मॉरलिटी लॉयल्टी, है ना, ये भी मिल जाएगा। और ISO के बारे में तो मेरे पे इंडेक्स में मिल जाएगा, इंडेक्स से ढूंढूंगा तो मिल जाएगा, ठीक है भाई। MCQs तो जम रहे हैं, प्रैक्टिकल अगर स्ट्रॉन्ग है तो ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर सकता हूँ, प्रैक्टिकल वीक है तो मैं क्वेश्चन स्किप कर सकता हूँ। एक क्वेश्चन में MCQ में डाउट था, से फॉर एग्जांपल LTA 8 मार्क्स, है ना, तो क्वेश्चन नंबर केस स्टडी 2 से तुम्हें आ रहा है 19 मार्क्स, ठीक है। लेट्स मूव टू द केस स्टडी 3, हाउ यू विल अप्रोच इन द केस स्टडी 3। थोड़ा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिख रहा है, मैं स्टूडेंट पढ़ रहा हूँ, मैं एज ना मुझे 80 प्लस आने में कैसे अप्रोच करूंगा पेपर को। सबसे पहला दिया गया है कुछ तो भी एक पेज का क्वेश्चन है, ठीक है भाई, अगर केस स्टडी पढ़ना रहा तो एक पेज लगेगा, मतलब ही अप्रोक्सीमेटली इट विल टेक 10 मिनट्स। नेक्स्ट आई विल गो टू द क्वेश्चंस डायरेक्टली, देखो क्वेश्चंस क्या बोलते हैं, MCQs पे बाद में आऊंगा, सबसे पहले केस स्टडी पे सिलेक्शन। सबसे पहला वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू नीड टू कंसिडर वाइल यू आर सिलेक्टिंग एनी ऑफ द क्वेश्चंस इज कि अगर केस स्टडी में, अगर कोई भी क्वेश्चन में इफ यू आर फाइंडिंग अ डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब क्या, जैसे कि तुम्हें बोल दिया कि एक्सप्लेन प्योर रिस्क, बोल दिया भाई, है ना, अब वो तुम्हें पता है भाई प्योर रिस्क को यहां से कॉपी करना है, कॉपी पेस्ट करना खत्म। अगर कॉपी पेस्ट वाला काम आ रहा है ना तो वो केस स्टडी पहले पकड़ लो, आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे, बिकॉज इंस्टीट्यूट भी तो वही कॉपी पेस्ट करके देगा, समझ रहे हो, इंस्टीट्यूट विल ऑल्सो कॉपी द सेम थिंग ना। तो अगर कोई कॉपी पेस्ट वाली चीज है ना तो वो क्वेश्चंस पहले सॉल्व कर लो, बट अगर कॉपी पेस्ट वाली नहीं है तो छोड़ दो, है ना, तो उसको बाद में सॉल्व करो, ठीक है। तो अब सबसे पहले ये जो केस स्टडी 3 है उस पे आते हैं, केस स्टडी 3 क्या बोलती है, मुझे थोड़ा सा प्रैक्टिकल पोर्शन दिख रहा था मुझे, वेदर दिस केस स्टडी रीडिंग ऑफ केस स्टडी इज रिलेवेंट और नॉट बेस्ड ऑन द किस पे, किस फैक्टर पर डिपेंड होगा, क्वेश्चंस पे डिपेंड होगा। चलो सबसे पहले पढ़ते हैं 3.6 क्या बोलता है, ब्रीफली एक्सप्लेन द टाइप ऑफ रिस्क फेस्ड बाय द फर्म, दिस फॉर दिस आई नीड टू रीड द केस स्टडी, फॉर दिस आई नीड टू रीड अ केस स्टडी, ऊपर वाले की केस स्टडी बड़ी थी, यहाँ की केस स्टडी छोटी है। 6 मार्क्स, इट विल अप्रोक्सीमेटली टेक 2 to 3 मिनट्स पर रिस्क, सो आई विल टेक 3 मिनट्स, 6 into 3 इज नथिंग बट वॉट 18, है ना, तो मुझे 18 मिनट्स तो यहीं लग गए फॉर आइडेंटिफाइंग द टाइप ऑफ रिस्क, और जो रिस्क के बारे में मैं ढूंढूंगा, जरूरी नहीं है कि इंस्टीट्यूट से वो मैच हो, से फॉर एग्जाम्पल मेरे मैच हो रहे हैं 3 मार्क्स के, 50%, जस्ट अजम्पशन ले रहा हूँ मैं, अब वो डिपेंड होता है केस स्टडी पढ़ने पे, बट पता पड़ जाता है भाई 100% तो मैच नहीं होगा, और मैच भी हो गया तो अंदर का कंटेंट भी मैच होना चाहिए, ठीक है। तो हाफ मार्क फॉर मैचिंग द रिस्क, हाफ मार्क इज फॉर द कंटेंट, आइडियली ऐसा होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बोलता है, है ना, 3.7 देखो क्या बोलता है, ये बता दिए, ये देखो इसके बाद क्या बोलता है, बोलता है प्रिपेयर अ सैंपल रिस्क रजिस्टर, आय हाय हाय सर रिस्क रजिस्टर तो बहुत देखे हैं, ठीक है, है ना, ऑन डस्ट एंड पॉल्यूशन रिस्क फेस्ड इन द एक्टिविटीज ऑफ द फॉर्म, है ना, रिस्क रजिस्टर्स तो मैंने बहुत देखे हैं, लेट्स सी मेरा रिस्क रजिस्टर कैसे मैच होता है, हो जाएगा, बट क्या होता है कि
जो इंस्टीट्यूट जिस तरीके से चाहता है उस तरीके से बनना चाहिए, बट हाँ ये बन जाएगा क्योंकि मैंने रिस्क रजिस्टर देखे हुए हैं और केस स्टडी में पढ़ लूंगा अच्छे से तो मैं बना लूंगा, है ना, मुझे इतना भरोसा है। ठीक है, तो आई विल गिव से फॉर एग्जांपल 3.5 मार्क्स और 4 मार्क्स मैं दे देता हूँ यहाँ पे फॉर गिविंग द रिस्क रजिस्टर। कहीं ना कहीं 1 मार्क तो कटेगा ही, ऐसा नहीं है कि भाई तुम भगवान हो। नेक्स्ट क्या बोलता है, एक्सप्लेन, है ना, ब्रीफली एक्सप्लेन द बेनिफिट्स ऑफ इम्प्रूव्ड रिस्क मेजरमेंट एंड मैनेजमेंट टू द मैनेजमेंट। ठीक है सर, ये मैंने कहीं तो भी पढ़ा हुआ है, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चन लग रहा है ना, बेनिफिट्स ये कहीं ना कहीं मुझे पढ़ा हुआ है, मैं ढूंढ लूंगा सर, है ना। तो यहाँ पे आई थिंक आई विल गेट 3 मार्क्स, है ना, आई विल गेट व्हाट 3 मार्क्स। अब ये देखो, ये जो है ना रिस्क रजिस्टर बनाने में मुझे कितना टाइम लगेगा, मेरे को कॉपी पेस्ट करना रहेगा। फॉर एग्जाम्पल 10 पॉइंट्स हैं तो मेरे को 10 मिनट लग जाएंगे रिस्क रजिस्टर के लिए, और दूसरा वाला पार्ट के लिए मुझे लग जाएगा 15 मिनट या से 10 मिनट्स ले लेता हूँ, है ना। तो मुझे इतना हो जाएगा, एमसीक्यूज़ पे आ जाता हूँ कितना स्कोर होगा मेरा, मैंने किस किस का स्कोर ले लिया, मैं स्कोर ले लिया है, ठीक है। एमसीक्यूज़ पे आ जाता हूँ, एमसीक्यूज़ ऊपर थे, एमसीक्यूज़ देखो सबसे पहले क्या बोलता है, सबसे पहला बोलता है ना इंस्टेंसेस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स। ये थोड़ा सा बाहर का लग रहा है, पता नहीं मुझे इनकम टैक्स कहाँ से पूछ लिया भाई। ठीक है, या तो नॉलेज बेस्ड होगा क्वेश्चन, नॉलेज बेस्ड रह सकता है, या तो कॉपी पेस्ट रह सकता है, या तो बुक से रह सकता है, या तो SFM का रहेगा, या तो IPCC करेगा, इसके बाद से नहीं आएगा। थोड़ा सा नॉलेज बेस लग रहा है, पता नहीं अब मैंने छूट गया होगा तो, बट ठीक है, नॉलेज बेस लग रहा है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली अ रीजन टू अ प्रॉम्प्टेड द बैंक टू इशू अ नोटिस। ओ भाई, ये भी मेरे को थोड़ा सा बाहर से लग रहा है, बट देखते हैं, मेरा पढ़ा हुआ तो नहीं लग रहा है, या तो आगे देखते हैं। द प्रपोज एक्शन ऑफ अ मैनेजमेंट टू प्रोवाइड ट्रेनिंग टू द स्टाफ, ये मैंने पढ़ा हुआ है, कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है, मुझे मिल जाएगा। रिस्क कल्चर रिक्वायर्स, ये भी मैंने पढ़ा हुआ है, मिल जाएगा। और इफ़ द टॉलरेंस लिमिट एक्सीड 6% इन केस ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री, ठीक है, द मोस्ट लाइकली कंक्लूजन वुड बी, अब देखते हैं। ठीक है भाई, ये भी थोड़ा सा मेरे को इसके MCQs में डर लग रहा है सर, है ना। तो इसके MCQs में गिव 6 मार्क्स, है ना, तो मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था MCQs में, बाकी मुझे स्कोरिंग लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता हूँ मैं केस स्टडी 4 में, केस स्टडी 4 को मैं कैसे अप्रोच करूँगा देखते हैं। केस स्टडी 4 एकदम ही छोटू केस स्टडी, 1 पेज का केस स्टडी है। अब 1 पेज का केस स्टडी है, हार्डली मुझे 10 मिनट लगेगा पढ़ने में, ठीक है। अब मैं आता हूँ प्रैक्टिकल पोर्शंस, क्वेश्चंस पे आता हूँ, एकदम ध्यान से देखते हैं। ओ भाई, OECD सर देख के डिसाइड कर लिए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे भाई, डायरेक्ट क्वेश्चन लग रहा है मुझे, है ना। कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेफरिंग टू OECD गाइडलाइंस, पता है मुझे सर, है ना, Chapter 2 में भी पढ़ा है, Chapter 7 में भी पढ़ा है, इंडेक्स में और ढूंढूंगा तो मिल जाएगा, ठीक है। OECD मेरे को पढ़ा हुआ है, ऐसे क्लिक होना चाहिए चीज़ें दिमाग में, Chapter 2 में, Chapter 3 में, Chapter 4 में, Chapter 1 में, Chapter 6 में, ऐसे क्लिक होगा तब आएगा मजा, तब आएगा कॉन्फिडेंस। और ये सब चीज़ें कब आएगी, व्हेन यू विल सॉल्व माय बुक, है ना, जो मैंने बुक बनाई है वो सॉल्व करोगे, उससे कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो रहा है स्टूडेंट्स का। व्हेन आई कॉल्ड फ्यू ऑफ द स्टूडेंट्स एंड आस्क देम कि भाई कैसा लग रहा है बुक, सर वो बोल रहे हैं जन्नत है भाई, इससे बढ़िया चीज़ रिस्क मैनेजमेंट के लिए नहीं हो सकती, है ना, बहुत सही बुक बनी है, मज़ा आ जाएगा भाई सॉल्व करोगे तो, है ना। और इसके आंसर्स मिलेंगे तुम्हें बुक में, ना जब तुम पेपर सॉल्व करोगे, है ना, तो तुम मार्क करके रखना कि ये चीज़ यहाँ से एग्जाम में कॉपी पेस्ट करने में बहुत काम आएगा, MCQs में काम आएगा, तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट में काम आएगा, है ना, रियल लाइफ जो केसेस डाले हैं वो काम आएंगे, है ना, और जो मैंने सेक्टर वाइज डाला है टाइप ऑफ रिस्क वो भी जबरदस्त लेवल पे काम आएगा, मज़ा आएगा भाई बुक, मतलब कोई भी दोस्त को फोन करके पूछ लो भाई बुक कैसी है, वो बता देगा तुम्हें फीडबैक, ठीक है। नेक्स्ट आता है सर 4.7 में, देखो क्या बोलता है कि ये देखो OECD का तो मेरे को सर डायरेक्ट क्वेश्चन है, स्कोरिंग है, मैं कर लूंगा, क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत है क्या, हाँ थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, एक बार पढ़ लेंगे, है ना, जो ऊपर क्वेश्चन दिया था पढ़ना पड़ेगा। आगे क्या बोलता है, व्हाट इज द टाइप ऑफ रिस्क मैनेजमेंट दैट इज टू बी, है ना, दैट इज टू बी इनिशिएटेड बाय द बोर्ड एंड द मैनेजमेंट सो इज टू प्रिवेंट द फ्रॉड। हाँ भाई, ये भी मेरे को पढ़ा हुआ है ना, ये भी कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन लग रहा है मुझे, और नेक्स्ट भी लग रहा है, हाउ कैन क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट बी, है ना, अपग्रेडेड टू इंश्योर दैट द रिस्क ऑफ डिफॉल्ट इज कैप्ट मिनिमम। ये भी मेरा पढ़ा हुआ है और ये 8 मार्क का है भाई, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है भाई, है ना, ये तो क्रेडिट रिस्क में है और ये मैंने पढ़ा हुआ है भाई, मुझे पता भी है कहाँ पे है, ठीक है भाई, ये स्कोरिंग लग रहा है। तो इसमें मुझे 8 में आई से 7 मार्क्स मिल जाएंगे बिकॉज ये कॉपी पेस्ट वाला लग रहा है मुझे। नेक्स्ट में मुझे थोड़ा सा डाउट है, 2 मार्क ले लेता हूँ, OECD में 3 मार्क ले लेता हूँ, तो आई से 12 मार्क्स मुझे मिल जाएंगे और टाइम भी कम लगेगा मुझे, है ना, तो 12 मार्क्स मुझे मिल जाएंगे और टाइम मुझे लगेगा अप्रॉक्सीमेटली, कॉपी पेस्ट है भाई ये, 7 वाला थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, इसको 20 मिनट लगेगा, इसको 5 मिनट 25 मिनट और OECD का थोड़ा सा बड़ा था 25 और 10 से आई से 35 मिनट्स आई रिक्वायर टू सॉल्व दिस, ओके। एंड MCQs पे देखता हूँ मैं,
सॉरी ऊपर ये एमसीक्यूज, तो एमसीक्यूज में कॉर्पोरेट गवर्नेंस, हाँ भाई पता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस तो पता ही है यार, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या बोलता है, होलिस्टिक रिस्क, होलिस्टिक रिस्क मैंने कहीं तो भी पढ़ा हुआ है होलिस्टिक रिस्क के बारे में, मैं ढूंढ लूंगा। स्ट्रेस टेस्टिंग, अरे भाई स्ट्रेस टेस्टिंग सिनेरियो एनालिसिस कितनी बार देखा है भाई, पता है ढूंढ लेंगे। आगे क्या बोलता है, क्रेडिट रिस्क, अरे क्रेडिट रिस्क अपना फेवरेट चैप्टर है, अच्छे से किया है ये भी मिल जाएगा। आगे क्या बोलता है, नॉर्मली है ना, अब मैं ऊपर ऊपर से देख रहा हूँ, मैं क्वेश्चंस पे नहीं जा रहा हूँ। आई नीड टू सिलेक्ट द केस स्टडी ना, मैं कैसे सिलेक्ट करूँगा और एक ब्रॉड ओवरव्यू कैसे बनाऊंगा पेपर का 15 मिनट्स में। नॉर्मली ईच बोर्ड ऑफ अ कंपनी शुड हैव अ रिस्क, है ना रिस्क कमिटी, रिस्क कमिटी के बारे में मैंने देखा हुआ है, ये मिल जाएगा एमसीक्यूज मुझे है। और ये केस स्टडी है ना, गजब लग रहा है भाई, इसमें मेरे को 22 मार्क्स मिल रहे हैं। मुझे लगता है सर मेरे को इसी केस स्टडी से पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करना चाहिए। द रीजन इज क्वाइट सिंपल, बिकॉज आई विल बी एबल टू सॉल्व मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, यस द फर्स्ट थिंग, एंड द सेकंड थिंग आई विल स्कोर द हाईएस्ट मार्क्स, आई विल स्कोर द हाईएस्ट मार्क्स इफ आई स्टार्ट सॉल्विंग माय पेपर फ्रॉम केस स्टडी नंबर 4। ये मेरे को अभी लग रहा है, फिफ्थ केस स्टडी देखते हैं उसके बेसिस पे विल मेक अ कंक्लूजन एंड देन विल डिसाइड हाउ टू सॉल्व अ पेपर। ठीक है, तो सबसे पहला दिया है केस स्टडीज, केस दिए हैं। अब देखो सबसे पहला बोलता है, देखो क्या बोलता है, डिफाइन व्हाट इज अ प्योर रिस्क। ओ हो हो, अभी मैं प्योर रिस्क का एग्जांपल दे रहा था। डिस्टिंग्विश इट विद अदर टाइप ऑफ रिस्क, अदर टाइप ऑफ रिस्क से डिस्टिंग्विश करो। और क्या बोलता है, एक्सप्लेन व्हाई इंश्योरेंस कवरेज ऑफ प्योर रिस्क इज इंपॉर्टेंट। ठीक है भाई, ये मेरा पढ़ा हुआ है ना, मेरा पढ़ा हुआ है, इसको डायरेक्ट क्वेश्चन है, आई कैन स्कोर इजीली, है ना। व्हाई ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर अ मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी टू अवॉइड अ लॉस वेदर इंश्योरेबल और नॉट, ये भी मेरा पढ़ा हुआ है ना, इसको भी मैं ढूंढ सकता हूँ, है ना। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन टाइप लग रहा है, बट मुझे थोड़ा सा इन सब क्वेश्चन में स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, बिकॉज आई फील लाइक कि ये जो है ना बड़े क्वेश्चन है और ये छूट सकता है। एक्सप्लेन द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, भाई पांचर्ट कॉपी पेस्ट है भाई, इससे ज़्यादा भाई ये भी जबरदस्त केस स्टडी है, पूरा कॉपी पेस्ट है इसमें। आई डोंट फील लाइक रीडिंग द केस स्टडी, है ना, मुझे केस स्टडी पढ़ने की जरूरत नहीं लग रही है, बट आई वुड रिकमेंड कि ऊपर ऊपर से थोड़ा सा केस स्टडी पढ़ लो, बिकॉज यू नीड टू मैंशन फ्यू ऑफ द पॉइंट ऑफ द केस स्टडीज इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑल्सो। इसका मतलब देखो, फ्यू ऑफ द पीपल रिकमेंड दैट कि भैया अगर डायरेक्ट क्वेश्चन है तो उसमें केस स्टडी का मटेरियल इंक्लूड करना है क्या, आई वुड रिकमेंड कि थोड़ा सा इंक्लूड करके आ जाओ, because that shows that you have read the question very well and that shows that the level of preparation you have done. Okay. But what if the question is indirect, which I am expecting more this time, so you need to mention the jo questions mein diya gaya hai na usko tumhe mention karna hi padega, wo anivarya hai, that is mandatory, that is required. Okay. So what I was saying is ki ye teenon mujhe lag raha hai sir acha khasa scoring ho jayega, mujhe lag raha hai 15 mein se I scored 13 marks. Let's decide on the basis of MCQ, but ये मुझे थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, so I'll put 40 minutes for 13 marks and let's see how much time I'll need for this and how much time I'll need for the solving the questions. Sir, FSR risk, control risk, ये तो मेरा chapter 1 से लग रहा है मेरे को, insurable risk है ना सर, chapter 1 है, मिल जाएगा सर, है ना। ये क्या बोलता है, annual report is necessary to have a management discussion and analysis, annual report तो को दिखता है, देखना पड़ेगा यार, थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा बट मिल जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा रिस्क पे है। आगे क्या बोलता है, कंट्रोल रिस्क, डिफॉल्ट रिस्क, टाइप ऑफ रिस्क का बोलोगे तो पता है ना, क्रेडिट रिस्क इज इंश्योरेबल हैज अ वेरियस कंपोनेंट्स, है ना, तो ये भी मुझे मिल जाएगा, ये भी इजी है। द पर्पस ऑफ रिस्क टू इवेल्युएट ऑन द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल विच वन, ये भी मेरे को मिल जाएगा। और लास्ट वाला क्या बोलता है ना, ये वाला सर मुझे कौन से चैप्टर का लग रहा था, ये मुझे चैप्टर 6 का लग रहा है कुछ तो भी, क्रेडिट रिस्क का है क्या, ठीक है मैं देख लूँगा। और ये जो है, ये वाला क्वेश्चन मुझे है ना क्या लगता है, सर्टन रिस्क आर कॉल्ड एज प्योर रिस्क, ओके है ना, चैप्टर 1 का ही लग रहा है, ये भी मुझे मिल जाएगा। सिर्फ एक एमसीक्यू में मुझे डाउट है, तो ठीक है मैं 8 मार्क्स इधर डाल देता हूँ, 21 मार्क्स, ठीक है। तो अब मेरा सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन इज प्योरली बेस्ड ऑन द मार्क्स, है ना। तो मैं कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, क्लियर कट तुम्हारे सामने रिजल्ट आ गया, क्वेश्चन नंबर में ये सब सॉल्व कर रहा हूँ, ग्रीन कलर कर देता हूँ मैं उसे, हरी झंडी दे देता हूँ, इतने क्वेश्चंस मैं सॉल्व कर रहा हूँ, मेरे को इतना स्कोर एक्सपेक्टेड है, अगर मैंने आंसर सही सही और मैं कंप्लीट कर पाया तो टाइम एक्सपेक्टेड मेरा कितना लगेगा, है ना, लेट्स कैलकुलेट दिस। तो 203 - 38 मेरे को 165 मिनट्स लगेंगे, प्लस आई ऑल्सो नीड हाउ मच टाइम, आई ऑल्सो नीड्स वॉट 50 मिनट्स फॉर एमसीक्यू, सो विच कम्स टू टोटल ऑफ 215 मिनट्स, ये तुम्हें लग रहा है, बट 215 मिनट से ज़्यादा टाइम लगेगा, ट्रस्ट मी, है ना। प्लस मेरा स्कोर का टोटल हो रहा है कितना, लेट्स सी, 98 - 16 विच कम्स टू 82, टारगेट 80 प्लस अचीव्ड, समझ रहे हो, इस प्रकार से पेपर को सॉल्व करना है, इवेलुएट करना है रीडिंग टाइम में, है ना।
अब पेपर कैसे सॉल्व करना है, केस स्टडीज, एमसीक्यूज है ना, उस पर वीडियो आ जाएंगे है ना, जिन्होंने प्रोडक्ट लिए उनको वीडियो मिल जाएंगे। बट दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि 80+ कैसे लाना है ना, हमें एमसीक्यूज कैसे सॉल्व करने हैं, क्या करना है, उस पर मैं प्रोडक्ट के साथ उन्हें वीडियोस दे दूंगा। बट ये जो है 100 मार्क्स कैसे लाना है और टारगेट 80+ कैसे अचीव करना है, पॉसिबल है इस टाइप से इवेल्यूएशन करोगे तो है ना। ये रीडिंग टाइम में फटाफट करने का है ना, ऊपर ऊपर से एक सब्जेक्ट का ग्लिंथ लेना है और उसके बेसिस पे सिलेक्शन होगा। केस स्टडी 3 मुझे देखना ही नहीं है कि मुझे पता है सर कि मेरी लगेगी। अब उसमें भी कम मार्क क्यों है, बिकॉज यू वर फेल टू आइडेंटिफाई द एमसीक्यूज है ना, तुम एमसीक्यूज में थोड़े से गड़बड़ कर दिए इसमें। बट वही है, एमसीक्यूज में जो तुम्हारा स्कोरिंग रहेगा है ना, एमसीक्यूज में जो स्कोरिंग रहेगा वो हमेशा ज्यादा रहेगा। बिकॉज एक तो हमने हमारी बुक से हर एक चीज कवर कर लिया, और सेकंड थिंग तुम्हारा एमसीक्यूज की मैंने इतनी प्रैक्टिस करवाई है, टेलीग्राम पे रोज दो दो एक एक दो दो एमसीक्यू डलवा रहा हूँ भाई, बुक में इतने एमसीक्यू डाल दिए, फुल सब्जेक्ट टेस्ट में इतने एमसीक्यू दे दिए, तुम्हें 5 गूगल फॉर्म के एमसीक्यू करवा दिए, तुमको बुक भाई याद हो गई है। एमसीक्यूज तो तुम्हारा स्कोरिंग रहना ही चाहिए, और बचता है केस स्टडीज। तो रियल लाइफ जो भी केस स्टडीज आती है, न्यू केस स्टडीज आएंगी, आई एम एक्सपेक्टिंग फ्यू ऑफ द केस स्टडीज फ्रॉम माई बुक, बिकॉज हर एक कोना कवर हो गया है। और उसके बाहर अब क्या सोचेगा इंस्टीट्यूट पता नहीं, बट हर एक चीज़ हमने कवर कर ली है, तो वहाँ से अच्छे से करके जाना केस स्टडीज। और ये ठीक है, ऑल द बेस्ट, अब अच्छे से पढ़ो। आई एम एक्सपेक्टिंग 80+ मार्क्स ऑफ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, काफ़ी स्टूडेंट्स को मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और कुछ लोग सर पूछते हैं सर रिफंड दोगे क्या 80+ आएंगे, तो भाई दे देंगे, बिल्कुल दे देंगे, टेंशन मत लो है ना, लाओ तो सही 80+ लाओ भाई, सपना पूरा कर दो अपना। दो सपने, एक भाई कोई तो स्टूडेंट को रैंक आनी चाहिए, एक सपना ये है, और दूसरा है कि भाई हर एक स्टूडेंट को 80+ लाना है। ये दो सपने पूरे करने हैं ना, एक स्टूडेंट कोई ना कोई रैंक ला लो यार, और दूसरा 80+ भाई, हर एक स्टूडेंट को 80+ चाहिए, तब आएगा मज़ा भाई, तब आएगा मज़ा। तो ऑल द बेस्ट, स्टडी वेल, कुछ भी लगता है तो कनेक्ट कर लो टेलीग्राम पे, व्हाट्सअप पे है ना, और तुम हमारे टीम से भी कनेक्ट कर सकते हो है ना, www.cmonk.com, वहाँ पे भी तुम, वेबसाइट है हमारा, वहाँ पे तुम्हें हेल्प मिल जाएगा, या तुम्हें कोई भी क्वेरीज रहे support@cmonk.com, और अगर मेरे को कोई मेल लिखना है तो shivam.p@cmonk.com पे तुम लिख सकते हो है ना। और बढ़िया से पढ़ो, टाइम पास मत करो, और ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स।